किसी ने? कुछ प्लान किया है इस साल? कुछ अचीव किया, कुछ नया किया किसी ने? कुछ अपना टारगेट अचीव किया किसी ने? हाथ खड़ा करो अगर किया, कुछ सोचा हो 2022 के एंड में कि 2023 में मुझे ये कंप्लीट करना है, अचीव करना है। हाथ दिख रहा है, शक्ल नहीं दिख रही, बस आ गया कॉलेज में एडमिशन। वेरी गुड, हो गया एडमिशन भी, हो गया अपने 12th पास भी किया, अच्छी परसेंटेज से। वेरी गुड, और किसी ने कुछ सोचा था? हाँ जी बताओ। सीटेट क्लियर करना हो गया सर, 2 मार्क्स से रह गए। नेक्स्ट ईयर अभी प्लान भी तो कर सकते हो ना दोबारा से, अब नेक्स्ट है जनवरी में। वेरी गुड, और किसी ने कुछ? मुझे लगा हाथ खड़ा किया आपने, आप बाल ठीक कर रहे हो। बॉयज कुछ सोचा? हाँ ये सोचना भी ना सोचने के बराबर ही है, सोच भी लोगे तुम कुछ कर नहीं सकते। मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो तुम सोचते तो हो मगर 2 महीने में वो चीज खत्म हो जाती थी, वो खुद भूल जाते हो। क्या सोचा था, सोचा क्या था जनवरी में हमें क्या करना है? फरवरी आते, मार्च अप्रैल आते आते फिर कुछ नया सोच लेते हो, वो भी पूरा नहीं होता। फिर सोचते साल की शुरुआत है 2024, तो कुछ सोचा हो किसी ने मुझे बताओ, कुछ सोचा है, कुछ करना है? आपको जरूर सोचना चाहिए बेटा, बताओ कुछ सोचा है तो। चुप रहने से तो कोई फायदा नहीं ना, किसी ने कुछ सोचा हो कि मुझे ये चीज करनी है, किसी को जॉब चाहिए हो, किसी को कोई नया कोर्स करना हो या किसी को कुछ भी, कुछ सोचोगे तभी उसको टारगेट को अचीव कर पाओगे साल एंड तक, या नेक्स्ट ईयर भी आ जाए आपका 2025 भी आ जाए उस टारगेट तक पहुंचते पहुंचते। और अगर कुछ सोचा आपने 2023 में वो नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, डीमोटिवेट ना हो उसके लिए कि यार हो ही नहीं रहा, हो जाएगा। शायद आप हार्ड वर्क पूरा ना कर रहे हो उसके लिए, बीच में आप डीमोटिवेट हो जाते हो या बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि यार छोड़ो नहीं हो रहा तो कुछ और करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो तो आप लोग स्टूडेंट हैं, अभी आपकी लाइफ है स्ट्रगलिंग की, जितना आप लोग सोचोगे कि मैं कर सकता हूँ उतना आप कर सकते हो, बल्कि उससे ज़्यादा कर सकते हो, मगर आपको वो चीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो आप लोग स्टूडेंट हैं, अभी आपकी लाइफ है स्ट्रगलिंग की, जितना आप लोग सोचोगे कि मैं कर सकता हूँ उतना आप कर सकते हो, बल्कि उससे ज़्यादा कर सकते हो, मगर आपको वो चीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी। साल बहुत लंबा होता है, ऐसा नहीं है कि आज सोचा और कल 2-3 बार प्रैक्टिस की और वो छूट गया, नहीं हुआ। सबसे पहले सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको, सिस्टम मीन्स शेड्यूल्स, आपका डेली वीकली मंथली शेड्यूल होना चाहिए। समटाइम ऐसा भी होता है 1 महीना आता है उसमें एग्जाम्स होते हैं तो उस वक्त शेड्यूल काम नहीं करता, 1 मंथ ऐसा आता है इसमें घर में कोई फैमिली फंक्शन है या कुछ भी वेडिंग है तो वहाँ शेड्यूल को क्लोज कर दो कि चलो इसको नेक्स्ट 2 मंथ में कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि वो शेड्यूल फिर ख़राब हो जाए दोबारा उस पर आप कम बैक ना करो, उसको आगे आप कंटिन्यू ना करो। अगर कोई भी टारगेट है, अभी आप सब 21 22 19 18 साल के हो तो अभी बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, अगर कुछ सोचोगे आज तभी कर पाओगे। तो ये बहुत अच्छा समय होता है साल की शुरुआत, कि इसमें आपको कंप्लीट पूरा एक साल नज़र आता है कि इस साल जैसे इसने कहा 12th क्लियर कर ली, उनका सीकेट रह गया आगे कर लेंगे उसको अटेम्प्ट, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं और एग्ज़ाम्स देते आए हो ना हर साल 8th 9th 11th 12th, फिर कॉलेज फिर कंप्यूटर, तो लाइफ ऐसी ही है, एग्ज़ाम ही है। जब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते हो, क्योंकि इतना पढ़ लिख किस ले रहे हो, कुछ ना कुछ तो अचीव करना है ना, कुछ सोचा है ना, ऐसी तो ना लाइफ निकाल देनी है। घूमना फिरना एंजॉयमेंट मस्ती सब कुछ करो, बट एक जो पार्ट ऑफ द लाइफ है ना स्टडी, जो बचपन से करते आए हो, पेरेंट्स करवाते आए हैं और अब आप उस पर थोड़ा सा स्टैंड हो कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ आप उसको कवर करो, कंप्लीट करो। डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि वो चीज़ तो लाइफ का पार्ट है, वो सभी का नहीं होता है कि कुछ अच्छी सोचा तो वो हो गया, इतना आसान नहीं है।
तो उसके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा, घर पे एक स्टडी टेबल बनाना पड़ेगा, एक एरिया बनाना पड़ेगा जहाँ पे आपको कुछ डीमोटिवेट चीजें लिखनी पड़ेंगी जो आपको मोटिवेट करेंगी बार बार। मोटिवेट चीजें नहीं लिखनी है आपको, वहां पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे लेसन, कुछ ऐसे वर्ड लिखने हैं जो आपको मोटिवेट करे। वहां पे लिखो तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता, तो वो आपको मोटिवेट करेगा। बात तो आपने कुछ और लिखी है, वो आपको चैलेंज दे रहा है, आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता। तुम्हें लगेगा कि नहीं मुझे करना है, अब तो मुझे करना ही है। ठीक है, तो मुझे लगा मुझे आपसे बात करनी चाहिए। हेल्प नीडी पीपल।